हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी एस सिंडिकेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे NIS डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट के। जैसा कि आपको बता दी, NIS डीलेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल शिक्षकों को सिर्फ, कहने का मतलब है जो शिक्षक बने हैं उनको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है, नहीं होने की संभावना भी बिल्कुल अब नगण्य है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार बीएड के केस में भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अमान्य कर दिया गया, उनको इनवैलिड किया गया था। उनको कहा गया था कि आप योग्य नहीं हैं। लेकिन इसके पहले आपने देखा होगा पटना, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को, जो कि बीएड के ही विद्यार्थी थे, वो ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से उनको वैलिड किया गया। तो इसी आधार पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं NIS डीलेट विद्यार्थी को भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब से ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है, विद्यार्थियों के मन में और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई, नहीं कहीं अब NIS डीलेट बिल्कुल सेफ जोन में जाएगा और बिल्कुल मान्य होगा। आप देखेंगे जयवीर सिंह के केस के बारे में, जो कि उत्तराखंड का ही केस था, स्टेट ऑफ यही है जहाँ से ये केस निकल के शुरू होता है। इसमें गोयल साहब के जजमेंट आता है, जो कि भाई NIS डीलेट 18 महीने का कोर्स, जो कि 2 साल रेगुलर कोर्स के बराबर नहीं है, यही से जजमेंट आता है बीआर गवई की बेंच में। तो ये इसी चीज़ में, ये कहीं पर ये भी मेंशन नहीं किया। इसी चीज़ को आपने देखा होगा, पटना हाईकोर्ट में इस समय केस चल रहे हैं और असम हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों को बार बार उठाया इसलिए जा रहा है क्योंकि अब जो नौकरी पा गए हैं, क्या उनको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा? तो ये ऐसा बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कहा गया। अभी आपने देखा होगा, इससे पहले हमने वीडियो डाला है, उसमें मृत्युंजय कुमार एडवोकेट कह रहे हैं, नहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि भाई जो नौकरी में है उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, और बाकी जो कंडीशन है, यथावस्थ स्थिति, मतलब जो चीज़ें हैं जो नौकरी में शामिल होने की बात है, अभी तक जब तक कोई ऑर्डर, जब तक कोई इसमें फैसला नहीं होता तब तक यथावस्थ स्थिति बनी रहेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, एनसीटी डिड नॉट चैलेंज द स्टेट ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक स्टैंड एंड दैट आर सेट 18 मंथ कोर्स ओनली फॉर इन सर्विस कैंडिडेट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्रेश वंस। इसी चीज़ को बार बार मेंशन किया जा रहा है कि ये जो कोर्स था वो नौकरी में जो शामिल थे उनके लिए था, कहीं फिर भर्ती में शामिल होने की बात नहीं कही गई। इसी चीज़ को भाई आपने देखा होगा, मृत्युंजय कुमार जी जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट जो सुना गया उसमें साफ साफ इस चीज़ को कहा गया कि जो नौकरी में हैं या नौकरी पा गए उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितने भी NIS के कैंडिडेट जो नौकरी पा गए, जैसे आपने देखा TRE 1 में, TRE 2 में जो शामिल हो गए, इसके पहले जो नौकरी में हैं उनको किसी प्रकार की डरने की कोई बात नहीं, नौकरी में हमेशा बने रहेंगे, किसी उनको कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इसमें इस चीज़ मेंशन किया गया है कि जो फ्रेश भर्ती में शामिल नहीं होंगे, जैसे कि TRE 3 में या TRE 4 में, इनको फॉर्म भरने के लिए बिहार सरकार ने इसको मना किया। तो यही बिहार सरकार में कि एक जजमेंट और कोर्स जो हाईकोर्ट में सुनवाई होती है उसमें ये सारी चीज़ें कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को साफ साफ कहा है कि जो अनट्रेन टीचर थे, 18 महीने और 2 साल का कोर्स तो भाई कहाँ से निकल के आया, कहीं ना कहीं NCT भी देखिए, अभी आपने देखा होगा, एक NCT ने अपना एक पत्र जारी करता है, अभी कल की दो तीन दिन पहले एक पत्र जारी करता है, उसमें साफ साफ कहा कि हमने कोर्स पूरा 2 साल कराया। और बात ये भी सही है कि NCT के पास वो अधिकार है, वो कोई कोर्स चाहे 2 साल में कराए, 6 महीने में कराए, वैसे कराए, लेकिन अगर वो 2 साल के रेगुलर के बराबर है तो यहाँ पर देखो, एरड होल्डिंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू 18 मंथ डिप्लोमा, कहा गया है कि 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने की डिप्लोमा कैसे बराबर, इसको NCT जवाब दी। लेकिन NCT वहाँ पर निकल जाती है, NCT वहाँ पर अपने पक्ष को सही से नहीं रखती, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की, क्योंकि इसमें सरकार की खुद ही साजिश है कि क्या किया जाए। तो आप देखेंगे उत्तराखंड, तो ये इसीलिए ये मैटर क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ ये सामने निकल के इस चीज़ को बात हो रही है कि जब सर्विस में जो है, जैसे बाल विद्यार्थी बहुत परेशान थे कि सर्विस में है तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने देखा पप्पू यादव सर बार बार इस बात को कर रहे हैं, सारे NIS जो शिक्षक हैं वो हमको फंड दे रहे हैं, तो लेकिन जो शिक्षक है उनको किसी प्रकार के डरने की भी बात नहीं, क्योंकि साफ साफ इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। आप देखेंगे वी फाइंड दैट हाई कोर्ट पटना टोटली इरेक्ट द नॉट बी नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड NCT एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फेल इन अंडरस्टैंड टू एज द वाई NCT डिड नॉट चैलेंज द सेड ऑर्डर वाई द स्पेसिफिक स्टैंड दैट आर सेड 18 मंथ कोर्स वॉज ओनली फॉर इन सर्विस कैंडिडेट नॉट अप्लीकेबल टू फ्रेश वंस रिजेक्टेड रिजेक्टेड बाई द हाई कोर्ट वी ऑल्सो वी फेल अंडरस्टूड वाई द वाई वाइड कम्युनिकेशन डेट 6 जनवरी मतलब कहने का मतलब वही चीज़ें हैं कि जो
सर्विस में हैं इन सर्विस, क्योंकि पहले भी ये साफ साफ को मेंशन किया गया था कि इन सर्विस टीचर के लिए जो सर्विस करें उनको ट्रेंड कराने के लिए, लेकिन इनको फ्रेश भर्ती में शामिल करने के लिए कहीं नहीं कहा गया। यही मुद्दा मेन फंसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में दूसरी चीज़ है गजट प्रकाशन को लेकर, क्योंकि आपने अगर ऐसा फ्रेश भर्ती में शामिल करने के लिए बात कही है तो आप उनको गजट में प्रकाशन क्यों नहीं किया। हम चलिए मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा, सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इन सर्विस के लिए उनको अनट्रेंड थे, उनको ट्रेंड किया तो ठीक है, उनकी नौकरी सेफ है, उनको नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन फ्रेश भर्ती में किस आधार पर शामिल किया जाए। आप कैसे कह देते हैं कि 2 साल का रेगुलर और 2 साल का कोर्स 18 महीने कोर्स के बराबर, इसको अप्रूव कर दीजिए हम इनको वैलिड करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ कहा कि आपने गजट का, अगर आपने ऐसा किया तो गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया, तो यहीं पर असमंजसता का विषय था। तो अब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं तो इसीलिए अब ट्रांसफर, देखिए सबसे बड़ी बात खुशखबरी, दूसरी बात ये है कि ट्रांसफर पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है, रिव्यू पिटीशन की भी सुनवाई होने वाली जो 8 जुलाई को होने वाली है, और ट्रांसफर पिटीशन की भी सुनवाई जुलाई में ही होने, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है। अभी दूसरा चीज़ देखेंगे, देखिए जो NCT का जवाब आता है इसमें आप देखेंगे साफ साफ मेंशन किया गया, सर या मैडम आपकी शिकायत के संबंध में कहना कि DLED के मान्यता NCT NRC या NIOS के आदेश संख्या NRC NCT आदेश NIOS के आदेश संख्या मान्यता 275 भाग 3 में 2017-2018 182459-61 के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान किया गया था। देश के सरकारी सहायक प्राप्त तथा सहायक प्राप्त निजी स्कूल में कार्यरत प्रारंभिक स्तर पर सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए उपयुक्त था, जो कि 2017-2019 तक दिनांक 22/9/2019 तक पाठ्यक्रम का NIOS DLED के माध्यम से ODL माध्यम से कराया गया, तो जो कि राजपत्र में प्रकाशन नहीं किया गया था। वही कहा गया कि राजपत्र में प्रकाशित, देखो ये एक RTI का जवाब था कि भाई आप हमको इस चीज़ का जवाब दीजिए कि राजपत्र अगर हम वैलिड हैं कि नहीं, क्योंकि विद्यार्थी वो भी परेशान थे जो नौकरी में थे कि भाई हमको कभी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा किसी को भी किसी तरह की डरने की दिक्कत नहीं है। आप साफ 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 देखेंगे बार बार कई जजमेंट में अब ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि जो नौकरी में है उनको किसी भी प्रकार का डरने का कोई ज़रूरत नहीं, वो नौकरी में हमेशा बने रहेंगे। देखिए आप गलत फहमी में मत आएँ, कहें किसी बहकावे में कि जो नौकरी पा गए उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे BEd के केस बिल्कुल, जो कि BEd तो अमान्य कर दिया कि NIOS BEd को PRT में शामिल नहीं करने दिया जाएगा, PRT के लिए योग्य नहीं है, ब्रिज कोर्स भी नहीं किए हैं फिर भी उनको, चाहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, अन्य भर्तियों में देखिए सिर्फ झारखंड में एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट आता है, लेकिन वो भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, उनको नौकरी में शामिल किया गया। तो जब इनको नौकरी में शामिल किया गया तो NIOS DLED के विद्यार्थी जो शिक्षक बने हैं उनको भी किसी भी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मुद्दा बनता है कि भाई नई भर्तियों में शामिल कैसे होंगे, तो अब ये आप लोग को सहयोग चाहिए, आप लोग की मदद से तभी जो ट्रांसफ़र पिटीशन गई है, ट्रांसफर पिटीशन में ही अगर सारी चीज़ें सुनी जाएंगी, क्योंकि इसमें साफ साफ अपेंडिक्स देखेंगे, अपेंडिक्स 9 का इसमें चर्चा चल रही है कि उसमें ये भी चीज़ें कही गई थी जो आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से प्रूफ की, देखिए सारी चीज़ें हैं उसमें, प्रकाश जावड़ेकर जी शिक्षा मंत्री थे और अन्य भी दो जो शर्मा जी थे वो वहाँ पे चेयरमैन थे, इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जो हम कोर्स करा रहे हैं ODL माध्यम से ये पूरी ट्रेंड है और इनको हम ट्रेंड कर रहे हैं, भारत के किसी भी राज्य में वैलिड होंगे, हर भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, तो यही चीज़ें उसमें भी कही गई थी, लेकिन राजपत्र का प्रकाशन ना हुआ इसका कारण सिर्फ, देखो कहीं ना कहीं गलती तो सरकार की है लेकिन सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, भुगत रहा विद्यार्थी। और जो रही बात शिक्षक की, तो उनको तो भी दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है और सेफ जोन में हमेशा रहेंगे। तीसरी चीज़ है कि जो नई भर्ती जैसे BPSC TRE4 आने वाला, TRE3 में भी नहीं शामिल किया गया, और अन्य राज्यों में भर्तियां आने वाली, जैसे अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग का गठन हुआ है तो उसमें भी विद्यार्थियों को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, ये सारे मुद्दे हैं। इसलिए अन्य सभी लोग विद्यार्थी एक साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि कहीं ना कहीं NIOS DLED की डिग्री को मान्य करा दिया जाए, और मान्य जब हो जाएगा बस यही थोड़ा सा मुद्दा है कि गजट का प्रकाशन हो जाए और NCT उससे कहा जाए कि भाई ये फ्रेश भर्तियों में भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो जज ने कहा था कि भाई हम ट्रेंड टीचर अनट्रेंड थे, उन्होंने ट्रेंड किया, नौकरी में शामिल है, चलो हम मान लिया, लेकिन हम फ्रेश भर्ती में इनको कैसे मान लें, तो ये चीज़ थोड़ा सा NIOS DLED विद्यार्थियों के परिपेक्ष में नहीं थी। अब यही चीज़ अगर मान्य हो जाती, यही चीज़ क्लियर हो जाए, जब रिव्यू पिटीशन में तो भाई वही है जयवीर सिंह के केस को रिव्यू किया जाएगा कि सर कहीं कहीं इसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी जिसके कारण इसकी सुनवाई अभी ढंग से हो पाए, तो इसके लिए बेहद वकील चाहिए। इसलिए सभी से जितने भी NIOS DLED के विद्यार्थी हैं, संघ के अध्यक्ष हैं, जो जितने भी राज्य के केस हैं सारे ट्रांसफ़र होके सुप्रीम कोर्ट में एक साथ अपनी बातों को रखा जाए,
तो कहीं ना इस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में अगर जो जज ने भाई उस चीज़ को मेंशन किया है कि भाई नहीं हमने अनट्रेंड टीचर को ट्रेंड करके नौकरी दे दिया, आगे वाली भर्तियों में शामिल नहीं हो पाएगा फ्रेश भर्तियों में, तो वही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप मान लीजिए कि NIH डीलेट मान्य होगा। बस थोड़ा सा सरकार इसमें देखिए इसमें कहीं ना कहीं सरकार का पेचा है, आप ये बात को समझना है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार के कैंडिडेट सरकार के मंत्री कहीं ना कहीं इसमें पेच लगाते हैं। पेच लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, वरना ये सारी चीज़ें वैलिड हो जाए, वरना देखिए जज को भी पता है, सबको पता है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार देखो NCT से जवाब मंगाता है, NCT जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि जवाब इसे अगर वो दे क्लियर हो जाएगा कि नहीं सर हमने ये कराए हैं, हम कोर्स कराए हैं, हम इसका गजट प्रकाशन कर देते हैं, आप वैलिड करा दीजिए सारी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी हो रेगुलेटिंग, वो ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी है कि जो सब कुछ करा सकती है, लेकिन वो कराने के लिए तैयार नहीं। खबर यही थी, अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल-पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी के दिन शुभ हो। उम्मीद करिए आप लोग वैलिड रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक साथ एक सहयोग की ज़रूरत है बिल्कुल, और जैसे विश्वनाथ जी की अगुवाई में सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत तेज़ी से आने वाले समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। नमस्कार।